हेलो एवरीवन आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो ये चैप्टर है ये बीएससी एस थर्ड ईयर में आई थिंक फर्स्ट सेकेंड चैप्टर है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यूनिट का तो और इसके अंदर इसमें हम काफ़ी सारे तरह के एविडेंसेस पढ़ते हैं लाइक बायोजोग्राफिकल एविडेंस वैसी काफ़ी सारे तरह के एविडेंसेस है इसके अंदर लेकिन उन जितने भी, भी पाँच छह तरह के एविडेंस होते हैं लेकिन जो वो पाँच छे तरह के जो एविडेंसेज हैं उनका जो मेन टॉपिक है वो सारा का सारा इन छः डेफिनेशनस के ऊपर डिपेंड करता है उसमें मेन जो कहते हैं पूरे उस पूरे चैप्टर का जो मेन निचोड़ है ना वो इन छः के छः टॉपिक्स पर ही डिपेंडेंट है और हमें यही छः टॉपिक्स अच्छे तरह से पढ़ने हैं और आपने पहले भी पढ़े हुए हैं ट्वेल्थ में एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ईजी टॉपिक है एंड शोटीन की डेफिनेशन है तो स्टार्ट करते हैं एंड होमोलोगस ऑर्गन से तो so, हमने लिखा होमोलोगस ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन की सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे छोटी सी डेफिनेशन क्या होती है कि होमोलोगस ऑर्गन वो होंगे जिनका फंक्शन डिफरेंट होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है सेम होगा स्ट्रक्चर सेम का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उसकी शेप वगैरह सब, सब कुछ उसके जैसा ही हो स्ट्रक्चर सेम होने का मतलब होता है कि उसकी जहाँ से ओरिजन हुई होना मान लो दो हम दो ऑर्गन की बात करें तो उन दोनों ऑर्गन की जहाँ से ओरिजन हुई है वो दोनों ओरिजन सेम जगह से हुई हो तब हम तब हम उसे सही मानने में स्ट्रक्चर बोलते हैं ठीक है कि उसका सिमिलार क्चर होगा वर्ना आप ये मत लगाना कि स्ट्रक्चर का मतलब है उसकी सेम शेप ठीक है शेप से रिलेटेड नहीं होता ये ये रिलेटेड ये होता है कि उसका ओरिजन जो है वो सेम हो ठीक है एग्जाम्पल पढ़ते हैं एग्जाम्पल इसी समझ में आएगा एग्जाम्पल सबसे पहले पढ़ते हैं हम फोर लिम्ब की बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है वर्टिब्रेट्स में हम सारे आते हैं बर्ड्स एनिमल्स ठीक है हम बात कर लेते हैं बर्ड एंड या फिर बर्ड मैन या फिर कैट्स ये सारे जो हैं वर्टिब्रेट्स में आते हैं इन सब की आप फोर फोरलिम की देखो उनका जो फोर लिम्ब है उनका फंक्शन डिफरेंट है ठीक है बर्ड्स का फंक बर्ड के जो फोर फोरलिम क्या कहते हैं उसे क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं वहीं मैन के फोर फोरलिम तो हमारे हाथ ही हैं एंड कैट्स है के फोर फोरलिम्प उसे चलने में हेल्प करते हैं तो इसका मतलब इन सब के फंक्शन डिफरेंट हो गया अब आप अब, अब हम ये कहेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर है स्ट्रक्चर सिमिलर मैंने वही कहा इनकी आपस में शेप तो नहीं मिलती किसी की लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर इसलिए है क्योंकि इन सब का जो ऑरिजन है इन सबके जो फोरलिम का जो ओरिजन है वो कॉमन है ठीक है इसीलिए ये हमारा क्या कहलाता है होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं ठीक है जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सबके फोरलिम क्या कहलाएंगे होमोलोगस ऑर्गन कहलाएंगे क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है इसका मतलब इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर हैविंग कॉमन बेसिक प्लान एंड सिमिलर डेवलपमेंट ऑलोरिजन कॉल होमोलॉगी होमोलॉगी वही कहलाएगा जिसका सिमिलर ऑरिज़न uh, हो एंड बेसिक प्लान भी उसका सेम ही हो ठीक है सो वो कहलाएगा हमारा होमोलॉगी हमने भी एक एग्जाम्पल पढ़ा है फोर लिम्बो फर्टी हम एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं हर्ट का ठीक है हर्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ना ही कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी क्योंकि हमने अभी बात की हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स हमने कहा होमोलोगोसो होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिसका फंक्शन डिफरेंट हो लेकिन अब वहीं अगर हम बात करें हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स की तो हमें पता है वर्टिब्रेट्स के जितने भी हर्ट हैं चाहे कोई भी हर्ट हो वो सारा हर्ट जो हर्ट है मोस्टली एक ही काम होता है उन सबका फंक्शन सेम होता है टू पम्पिंग ब्लड इनका फंक्शन डिफरेंट नहीं हो सकता हार्ट का तो ये होमोलोगस ऑर्गन कैसे हुआ ये होमोलोगस ऑर्गन हुआ क्योंकि इसका बेसिक प्लान एंड इसकी ओरिजन बिल्कुल सेम है हर हारवर्टिप्रेट्स में इसीलिए लिए हर्ट हर्ट भी जो है होमोलोगोस ऑर्गन से ही कहलाता है ठीक है ये बात आपको समझनी है ठीक है ज़रूरी नहीं है कि हम एक दो, 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 दोनों चीज़ को कंसिडर करके चलें अगर कोई ये चीज़ भी अच्छी तरह से मैच हो रही है मोस्टली हम डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर पर ठीक है अगर किसी की स्ट्रक्चर जो है सिमिलर हो उनका बेसिक प्लान या फिर उनकी ओरिजन सिमिलर हो तो वो होमोलोगोस ऑर्गन के अंदर ही आए काम जैसे कि हमारा हर्ट आया हर्ट सब में काम फंक्शन सेम है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर है इसीलिए ये यह होमलोग, होमोलोगस ऑर्गन कहलाता है ठीक है इसकी वन की पोजीशन भी सेम होती है है ना हर ऑर्मोस की पोजीशन भी सेम होती है एंड इसका काम भी सेम ही होता है पंपिंग ब्लड करना एंड बस यही हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है एंड अगला हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं लेग्स लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स की बात करते हैं इंसेक्ट में हम काफी से इंसेक्ट पढ़ते हैं हम दो इंसेक्ट की बात करते हैं ग्रास ऊपर की बात कर लो एंड सेकेंड वन अगर हम हनी बी की बात करते हैं तो दोनों ही जो है इंसेक्ट हैं एंड दोनों के जो लेग्स हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमिलर है उनका कॉमन बेसिक प्लान जो है बिल्कुल सिमिलर है लेकिन फ़र्क क्या है इनका डिफरेंट फंक्शन है ग्रास ऊपर को उसके लेग्स जो हैं उसे जंपिंग में हेल्प करते हैं वही हनी बीस को उसके जो लेग्स हैं वो पोलन ग्रेन कलेक्ट करने में उसकी हेल्प करते हैं ठीक है थीके? अब हम करेंगे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि वट इज़ होमोलोगस ऑर्गन अब हम करेंगे एनालोगस ऑर्गन हमें अड हमें पता है होमो एनालोगस ऑर्गन जो है होमोलोगस ऑर्गन के बिल्कुल अपोजिट है तो हम लिख सकते हैं जिसका सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट क्या होगी डिफरेंट उनकी स्ट्रक्चर उनका जो कॉमन बेसिक प्लान होगा या फिर उनकी जो ओरिजन होगी वो डिफरेंट होगी लेकिन फंक्शन वो सेम करेगी तो है लोगों से हम ये एग्जांपल पढ़ सकते हैं कि इंसेक्ट एंड बर्ड्स के विंग जो इंसेक्ट टू तो बर्ड के विंग हैं उनकी स्ट्रक्चर एकदम अलग है उनका ओरिजिनेशन भी अलग है लेकिन फंक्शन उनका सेम ही है टू फ्लाई तो इंसेक्ट टू तो बर्ड विंग सबसे अच्छा एग्जांपल रहा एंड स्वीट पोटैटो और पोटैटो की बात कर लेते हैं स्वीट पोटैटो और पोटैटो तो जो है ये अलग अलग स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर है ये है ना तो एक तो ट्यूबर है तो जब दूसरी एडवेंटिशियस में आती है तो लेकिन उनका इनकी जो है स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन इनका फंक्शन तो सेम ही है ना स्टोरेज करना ठीक है स्टोरेज स्टोरेज ही करते हैं ये स्टोरेज रूट्स हैं ये था हमारा एनालोगस ऑर्गन इसके बाद हम करते हैं अब कनेक्टिंग uh, लिंक कनेक्टिंग लिंक कनेक्टिंग लिंक क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म हैविंग हाँ करेक्टर ऑफ टू डिफ़रेंट कैटेगरी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो डिफरेंट कैटेगरी के करेक्टर्स हों ठीक है दो अलग अलग कैटेगरी हैं उन दोनों कैटेगरी के, के जो करेक्टर्स हैं वो एक किसी एक ऑर्गेनिज्म में मिले तो वही कहलाता है हमारा कनेक्टिंग लिंक मतलब वो जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दो कैटेगरीज को कनेक्ट कर रहा है ठीक है तो इसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्रोटोडाइरस का पढ़ते हैं प्रोटोटाइट्स आपने देखा भी होगा लैब में जिसे हम लंग फिश बोलते हैं लंग फिश इसे क्यों बोला गया क्योंकि ये फिश भी है और साथ में इसके लंग्स भी हैं ठीक है इसलिए इसे प्रोटोटाइस इसे इसलिए इसे फिश बोला जाता है तो हम यहाँ इजीली समझ सकते हैं अगर इसे लंग फिश बोला है तो इसका मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बोनी फिश एंड एम्फीबियंस के बीच में ठीक है नाम से पता चल जाता है उसका नाम भी इसी बेस पर रखा होता है ताकि हम उसे ईजिली जो है आइडेंटिफाई कर सकें अब बात करते हैं बोनी फिश को कैसे रिजम्बल करता है बोनी फिश के साथ रिजाम्बल इसलिए करता है क्योंकि इसके पास गिल्स हैं इसके पास फिंस भी हैं एंड इसके पास स्केल्स भी हैं किसके पास लंग फिश के पास प्रोटोटेरस के पास गिल्स भी है फिनस भी और स्केल्स भी हैं जो कि एक बोनी फिश के, के करेक्टर्स हैं वहीं एम्फीबियन की तरह ये रिजम्बल क्यों कर रहा है क्योंकि इसके पास लंग्स हैं सबसे बड़ी बात इसके पास क्या है लंग्स हैं साथ में इसके पास नेरिस भी हैं एंड हार्ट भी है वो भी हार्ट कौन सा थ्री चैम्बर्ड वाला ठीक है तो इसीलिए ये एक एम्फीबियन को भी रिजम्बल करता है जो करैक्टर्स एन्फीबियन से मिलते हैं वही करैक्टर प्रोटोटाइरस में भी मिलते हैं और इसीलिए कनेक्टिंग लिंक कहलाया गया बिटवीन एंड एम्फीबियंस सेकेंड एग्जाम्पल बैठते हैं सेकेंड एग्जाम्पल बैठते हैं ये वाला डग बिल्ड पैटिपस का उन्नीसराचस आपने देखा होगा ये मैमल्स uh, में आता ही है ना डक बिल्ड प्लेटिपस डक बिल्ड प्लेटिपस आपको पता होगा कि एक मेन वजह क्या है इसका एक मेन वैसे तो वैसे तो ये मैमल्स में आता है लेकिन आपने इसके बीच में एक डिफरेंस जरूर पढ़ा होगा अपने एनसीईआरटी में जिसमें लिखा हुआ है कि ये एग लेइंग है ओवी पेरस है ये पता होगा आपको ये आपने देखा भी होगा एनसीआरटी में ये साफ साफ लाइन लिखी हुई है ये आता मेमल्स में है लेकिन ये एग लेंगे ये वी ओ वी पेरस है ये एंड ये फिज इसका मतलब ये कनेक्टिंग लिंक बना बिटवीन मैमल एंड रेप्टाइल्स मैमल्स में इसलिए आता है ये क्योंकि इसके पास मेमरी ग्लैंड हैं ठीक है मेमरी ग्लैंड होने की वजह से इसको मैमल्स में रखा गया वहीं ओवी पेरस होने की वजह से इसे रेप्टाइल्स में रखा गया ओके okay, एंड uh, ये थे हमारे हमने दो पढ़े एक तो और पढ़ लेते हैं वो भी बहुत इजी हैं जो आपने पढ़ रखे हैं एग्जांपल सबसे एग्जैक्ट एग्जांपल लेते हैं ब्लैनोग्लोसिस का ब्लैनोग्लोसिस आपको पता है जिसे हम हैमी कोडेटा में पढ़ते हैं हेमी कोडेटा में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो कोर्डेट और नॉन कोर्डेट के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन कोडेट एंड नॉन कोरडेट ठीक है ऐसे कुछ और एग्ज़ाम्पल मिल जाएंगे आपको लाइक पैरीपेटस मिल जाएगा जो कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में होता है या फिर प्रोटेरोसपोन्जिया भी होता है जो प्रोटोजोवर अमीबोइड सेल्स के बीच में होता है ये मेन है एंड इस तरह के आप कई सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आपके पेपर में आता है तो आपको टू या थ्री एग्जाम्पल सही उसमें ज़्यादा बड़े नहीं होंगे ठीक है टू या थ्री एग्जाम्पल ही इनफ होते हैं किसी अगर पेपर में आ जाता है लिखने के लिए तो ठीक है सो कनेक्टिंग लिंक से मिलती जुलती ही एक और डेफिनेशन आती है मिसिंग लिंक मिसिंग लिंक की डेफिनेशन में कुछ इसी तरह से है इट्स एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म विच हैड करैक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके करैक्टर्स जो हैं किसी दो दो ग्रुप के साथ मिलते हों दो ग्रुप के जो करेक्टर्स है वही करैक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो लेकिन कंडीशन ये है मिसिंग लिंक की कि यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है अदरवाइज अगर वो एक्सटिंट नहीं है तो हमारा कनेक्टिंग लिंक में आ जाता आ जाता है लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंग हो चुका है लेकिन उसके पास ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि टू डिफरेंट ग्रुप्स में मिलते थे वही कहलाते हैं हमारा क्या मिसिंग लिंक सबसे अच्छा एग्जांपल पढ़ते हैं आर्कियोटेरिक्स का आपने नाम भी सुना होगा आर्कियोटेरिक्स का आर्कियोटेरिक्स आर्कियोटेरिक्स को हम लिजार्ड बर्ड बोलते हैं अब इसके नाम से पता चलता है मैंने कहा इसकी हम इसके नाम से इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या चीज किस किस के साथ रिजम्बल करती है आर्किटेरिक्स को हम लिजार बर्ड बोलते हैं जिसका मतलब ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में एक मिसिंग लिंक है ठीक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में ऐसा क्यों है इसके पास ऐसे क्या करैक्टर्स थे कि ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स को रिजेंबल कर गया इसके पास करैक्टर्स थे कि रेप्टाइल्स की तरह इसकी लॉन्ग टेल थी रेप्टाइल्स की तरह इसकी लॉन्ग टेल थी एंड इसके पास किसी तरह की न्यूमेटिक बोन्स नहीं थी नो न्यूमेटिक बोन्स वही हम बात करें बर्ड्स को कैसे डिजैम्पल करता था बर्ड्स को डिजाम्पल करने के लिए बर्ड्स वाले करैक्टर्स होने चाहिए मतलब इसके पास विंग्स थे ठीक है विंग्स थे इसके फेदर्स भी थे सबसे बड़ी बात है इसके फैदर्स भी थे उसके विंग्स भी थी और साथ में जो एक बर्ड की निशानी होती है लगा लो वो थी इसके पास विश बोन विश बोन भी इसके पास मिलती थी आई थिंक आपने विश बोन देखी होगी लैब में ज़रूर दिखाई जाती है विश बोन एंड तो ये क्रैक्टर्स थे जो आर्क्योटेरिक्स के पास थे लेकिन अब वो एक्सटेंट हो चुका है तो इसलिए हम इसे मिसिंग लिंक बोलते हैं अब हम करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है वेस्टिजियल ऑर्गन आप सबको पता है कि एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि फंक्शन नहीं होते लेकिन किसी टाइम पे हमारे एंसेस्टर के टाइम पे वो फंक्शनल थे जैसे कि हम ह्यूमन्स हम की बात कर लेते हैं ह्यूमन्स में टेल बोन्स टेल बोन्स जो हैं अपने, tail bone है अपने टेल बोन है आई थी मतलब ज़्यादा एक्सटेंड uh, नहीं है बिल्कुल ही एक्सटिंग एक्सटिंक्ट भी नहीं हुई है तो टेल बोन थी जो कि अब वेस्टीजर ऑर्गन बन चुकी है ठीक है टेल बोन है लेकिन अब वो वो है लेकिन किसी टाइम पर वो फंक्शनल हुआ करती थी और टेल को ग्यूराइस करती थी लेकिन अब वो फंक्शनल नहीं है ठीक है सेक अगला आता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को हम थर्ड आईलिट भी बोलते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा फ्रोक में फ्रोक में भी होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन तो ये अब जो है ह्यूम्स में नहीं है वहीं वर्मी फोमोपेंडिक्स वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और सिकम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के पास मिलते हैं आ, एंड आपको पता ही होगा ये अब जो है हमारे फंक्शन में नहीं है क्यों नहीं है किसी टाइम पर यह हुआ करते थे क्योंकि अब जो है आपको पता ही है अब ह्यूमन जो है घास फूस तो नहीं खाता अब वो अगर ये चीज़ें अब ये नहीं चीज़ें नहीं खाता तो उसका मतलब उसके अंदर सेलुलर्स भी नहीं जाता है और ये जो चीज़ें होती है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और सिकम ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलर डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है सेलुलर डाइजेशन जो है इसके इसके अंदर ही होता है लेकिन ह्यूम्स जो है सेलूलोस एडजस्ट नहीं करता क्योंकि वो किसी भी तरह के वो नहीं खाता है ग्रासेस वगैरह नहीं खाता है तो इस ये ग्रासेस वगैरह कौन खाते है, ही खाते हैं हैं ही जैसे वगैरह खाती है तो उनके अंदर जो है पेंडिक्स और सिक्कम जो है वेल डेवलप होता है वेल फंक्शनल होता है लेकिन ह्यूम्स में नहीं होता ठीक है ड्यू टू नो नीड ऑफ सेलुलर डाइजेशन अगर हम वही बात करूमन्स की बात कर ली ह्यूम में कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है हम वेस्टीजल ऑर्गन और भी पढ़ सकते हैं ह्यूम्स में लाइक हमारे जो ईयर्स होते हैं मूव करते हैं जो मूव उसको मसल कराती है जो मसल उसको मूव कराती है वो मसल्स भी अब जो है नॉन फंक्शन हो चुकी है किसी किसी बंदे में वो फंक्शनल है तभी कोई कोई जो है अपने कान हिला सकता है अपने कान मूव कर सकता है पिन्ना पिन्ना की बात कर रही हूँ मैं ठीक है लेकिन अब लेकिन वैसे तो वो नॉन फंक्शन हो चुकी है तो वो भी एक ऑर्गन में ही आती है ये हमने पढ़ा ह्यूमन्स के बारे में अगर हम पढ़ें किसी और एनिमल के बारे में तो अभी भी हम पढ़ के आए हैं हॉर्स है? के बारे में हॉर्स में हमने स्प्रिंट फिंगर के बारे में पढ़ा सबसे पहले जो है सिर्फ एक ही फिंगर्स प्रिंट थी लेकिन अब मॉडर्न हॉर्स तक आते आते बिल्कुल जो है सारे फिंगर स्प्लिट हो चुके हैं सिर्फ एक फिंगर रह गई है तो वो भी एक वेस्टिजल ऑर्गन के अंदर ही आती है ठीक है तो वहीं एक और आप बात करो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ओस्ट्रिच का ओस्ट्रिच आप सबने देखा होगा जू में तो ओस्ट्रिच के पास ओस्ट्रिच जो है वैसे तो बर्ड्स में आता है लेकिन इसके पास विंग्स नहीं है विंग्स और फैदस आई थिंक विंग्स हैं इसके पास लेकिन हाँ विंग्स हैं लेकिन विंग्स भी है उसके फायदस भी हैं लेकिन नॉन फंक्शनल है ठीक है तो वो भी एक वेस्टिजल ऑर्गन ही बन चुका है ठीक है अब हम लास्ट पढ़ेंगे हमारी लास्ट डेफिनेशन रहती है एटाविज़म और रिवर्जन की एटाविज़म क्या होता है इट्स अ रीअपियरेंस और री ऑफ सम एंसेस्टर ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स जो किसी टाइम पे जो है फंक्शनल थे पहले फंक्शनल थे लेकिन फिर बाद में नॉन फंक्शनल हो गए थे लेकिन उनका दोबारा से री फंक्शनिंग हो जाना या फिर उनकी दोबारा से री अपियरेंस हो जाना ही कहलाती है एटाविज़म या फिर रिवर्जन अच्छा एग्जांपल जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ऑर्गन में टेल बोन का तो वहीं किसी किसी चाइल्ड में जो है बर्थ के टाइम पर स्मॉल टेल हो जाती है ठीक है तो वो वहाँ पर एग्जाम्पल फिट बैठता है एटाविज़म का कि ये एटाविज़म है एंड मैनवी का जैसे कि पिन्ना वैसे तो जो पिन्ना वाली मसल है वो नॉन फंक्शनल है किसी टाइम पर वो फंक्शन हुआ करती थी, लेकिन अब नॉन फंक्शनल है लेकिन वो किसी किसी पर्सन में पिन्ना को मूव करने की अभी भी पावर है वो भी, भी अपने पिन्नास को मूव कर सकते हैं तो वो एग्जांपल है हमारा एटाविज़म का एंड वहीं किसी किसी पीपल में किसी किसी पर्सन में लॉन्ग और डेंस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी टाइम पे एनसेस्टर्स में हुआ करते थे लेकिन अब वो दोबारा से री अपियर फिर रीअपियरेंस हो जाना हो हो गए हैं किस किसी किसी पर्सन की बात कर रहे हैं हर किसी में नहीं होता है सब कुछ तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं एटाविज़म के ये हमारे यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है ठीक है बाय बाय